नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के न्यू इंटरेस्टिंग एक्साइटिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और इस वीडियो में हम बात करेंगे हर रोज की तरह निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन के बारे में। तो आप लोग यही सोच रहे होंगे फिर आ गया निफ्टी और बैंक निफ्टी का लेके। तो दोस्तों, ये मेरा काम नहीं है बट वीडियो डालना मेरा एक कंपल्सरी, समझता हूँ कि काफ़ी लोग वेट करते हैं वीडियो का, तो इसीलिए एक आदत सी पड़ गई है। तो जब तक ये वीडियो नहीं जाता है तब तक मेरे को भी थोड़ा सा अजीब सा लगता रहता है कि यार चलो जल्दी से ये डाल देते हैं, क्योंकि जैसे ये वीडियो लेट होता है तो बहुत सारे व्हाट्सएप आने लगते हैं मेरे को कि वीडियो नहीं आया, वीडियो नहीं आया, वीडियो नहीं आया। तो जाहिर सी बात है, इसलिए मैं हमेशा इस वीडियो को टाइम से डालना पसंद करता हूँ। इसके बाद जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है उसके लिए मैं फर्दर कोई डिफरेंट वीडियो बनाता हूँ, बट ये वीडियो कंपलसरी मेरा डालना, हर दिन डालने का पूरा पूरा मेरा फ़र्ज़ बनता है तो मैं इसको डालता हूँ। तो चलते हैं, यहाँ पे देखते हैं एक्सपायरी के संकेत कैसे मिलेंगे कल के दिन के। और आज जिस तरीके से वॉलेटिलिटी थी, मार्केट ऊपर नीचे कर रहा था, तो यानी कल के दिन में हो सकता है कि कंसोलिडेशन कर सकता है क्योंकि एक्सपायरी का दिन है, या फिर बाउंस बैक कर सकता है, या फिर फर्दर सेलिंग आएगी। तो ये सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। चलते हैं जल्दी से ऑप्शन चेन डाटा पे देखते हैं और समझते हैं। फाइनली दोस्तों, मैं आ गया हूँ एनएससी की वेबसाइट पे, जहाँ पे ये हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन डाटा समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं क्लोजिंग की। देखिए, 10,844 की क्लोजिंग आई है। निफ्टी का जो लो बना था वो 10,750 के आसपास बना था। तो आज जो बेसिकली निफ्टी ने जो मूवमेंट दिखाया है वो ऊपर नीचे का ज़्यादा दिखाया है। उसके बाद ऑलमोस्ट 1 बजे के बाद ये रिकवरी आके निफ्टी ऊपर जाके टिका है। तो देखते हैं यहाँ पे कि किस तरीके से डाटा बन रहा है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि कल है एक्सपायरी का दिन, तो एक्सपायरी के दिन में इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है? एक्सपायरी। तो एक्सपायरी के लिए देखते हैं यहाँ पे किस तरीके का डाटा है। सबसे पहले क्लोजिंग 10,844 की है, ठीक है। 10,800 की स्टार्ट करते हैं, 10,800 की पुट देख लेते हैं। सबसे पहले 10,800 की पुट पे क्या हो रखा है, 9,20,000 का ओपन इंटर आज के दिन में ऐड होता हुआ दिखाई दिया है यहाँ पे, और 23,38,000 का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे टोटल खड़ा है। वहीं अगर मैं बात करता हूँ कॉल की, तो कॉल पे भी देखिए, कॉल पे कोई ये चीज़ देखने वाली बात है कि ऑलमोस्ट 16,59,000 का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है, जिसमें कि 6,78,000 का आज के दिन में ऐड होता हुआ दिखाई दिया है। 10,800 के ऊपर निफ्टी बंद हुआ है, उसके बावजूद ये ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ है। ये चीज़ थोड़ी सी डरावने वाली है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि ये जो कॉल राइटर्स है ना, इनको आज के दिन में लॉस हो रहा होगा थोड़ा बहुत। दूसरी बात करते हैं 10,900, जो कि एक इम्पॉर्टेंट हर्डल बन गया है, क्योंकि आपको दिख रहा है करीब 31,67,000 का टोटल ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है 10,900 की कॉल पे, और पुट पे यहाँ पे सिर्फ 12,42,000 का ओपन इंटरेस्ट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि 10,900 के ऊपर तो एक्सपायरी होने के चांसेस बहुत ही ना के बराबर हैं। ना के बराबर मतलब सिंपल ही चीज़ है, 90% चांसेस यही है कि 10,900 के नीचे एक्सपायरी होगी। 10% चांसेस होंगे कि कोई रीजन से मार्केट में कोई पॉजिटिव न्यूज़ आ जाए या उसकी वजह से 10,900 के ऊपर जाके एक्सपायरी हो। 10,800 के नीचे हो सकती है, ये चीज़ यहाँ पे क्लियरली संकेत तो बने हुए हैं 10,800 के नीचे भी हो सकती है एक्सपायरी, बट कहीं ना कहीं ये एक्सपायरी मेरे को जो लग रही है वो करीब 10,800 और 10,850 के बीच में कहीं होती हुई दिखाई देगी। इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि 10,900 के पास आपको एक पुट लेके काम करना चाहिए, क्योंकि सेंटिमेंट नेगेटिव है। नेगेटिव सेंटिमेंट में अगर कोई भी फर्दर सेलिंग बढ़ती है तो प्रेशर क्रिएट होने में कोई ज़्यादा देर नहीं लगेगी, उसमें जो गेन होगा वो आपको अच्छा मिल सकता है। करेंटली निफ्टी का जो डाटा है वो इस तरीके से आपको बता रहा है। 10,900 एक हर्डल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हर्डल है। 10,800 के आसपास यहाँ पे पुट पे भी काफ़ी अच्छा ओपन इंटरेस्ट है, कॉल में भी काफ़ी अच्छा ओपन इंटरेस्ट है, तो ज़्यादा तेज़ी से गिरेंगे नहीं, ज़्यादा तेज़ी से भागेंगे नहीं। तो जैसा आज के दिन होता हुआ है ना कि ऊपर गए नीचे गए, ऊपर गए नीचे गए, सेम चीज़ होती हुई दिखाई दे सकती है कल के दिन में। तो उसी हिसाब से आप नज़र रखिएगा, 10,900 के नीरेस्ट मिलता है, 10,880, 800, 10,870, 80 की रेंज में मिलता है तो आप एक पुट लेके काम कर सकते हैं, क्योंकि ओवरऑल सेंटीमेंट नेगेटिव है। तो यहाँ पे कोई सेलिंग अगर बढ़ती है तो आपको एक अच्छा गेन मिल सकता है यहाँ पे, बट एक्सपायरी पे ज़्यादा मैं विश्वास नहीं रखता, क्योंकि एक्सपायरी पे नॉर्मली कुछ भी हो जाता है, आप जैसा सोचते हो उसके अकॉर्डिंग नहीं चलता, क्योंकि
क्योंकि एक्चुअल डाटा एक्सपायरी का ना करीब 12 बजे के बाद बनता हुआ दिखाई देता है। ये जो डाटा होता है, मैं हर वीडियो में आपको बोलता हूँ कि ये मॉर्निंग की जो ट्रेडिंग होती है ना, मॉर्निंग में मान लीजिए गैप अप हो गया, गैप डाउन हो गया, या सुबह सुबह हाफ एन आवर की जो ट्रेडिंग होती है, घंटे की ट्रेडिंग होती है, उसमें काफ़ी काम आता है। उसमें आप एक अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं, क्योंकि उस टाइम वॉलीटिलिटी थोड़ी ज़्यादा होती है, एक ईजिली गेन मिलने को उसके चांसेस रहते हैं। जैसे कि आज के दिन में जब मॉर्निंग में मार्केट खुला तो 10,830 तक मार्केट गया, उसके बाद एक सेल ऑफ देखने गया जिसमें कि दोबारा से लो बना 10,780 के आसपास का, फिर एक थोड़ी सी रिकवरी देखी, फिर एक सेल ऑफ आया जिसमें कि लो बना 10,750 का। तो ये मॉर्निंग में ही सारी चीज़ें हो गई, उसके बाद से मार्केट कंसोलिडेट करता रहा और 1 बजे के बाद दोबारा से रिकवरी दिखाई मार्केट ने। अब चलते हैं जल्दी से बैंक निफ्टी के डाटा पे, उसको भी एक बार जल्दी से देख लेते हैं कि वहाँ पे क्या हो रहा है, क्योंकि बैंक निफ्टी की जो वीकनेस है वो बहुत ज़्यादा है। हालांकि आज HDFC बैंक जो प्राइवेट बैंक थे उन्होंने काफ़ी अच्छा पार्टिसिपेट किया, बैंक निफ्टी को ऊपर लाने की पूरी पूरी कोशिश करी यहाँ पे। तो देखते हैं क्या हो रहा है यहाँ पे कि क्लोजिंग आई है, देखिए 27,123 पे है, 27,000 के ऊपर बैंक निफ्टी निकल के कामकाज कर रहा है। तो उसका मतलब क्या है कि कॉल राइटर थोड़े से बैकफुट पे गए हैं और पुट राइटर थोड़ा फ्रंट में आके प्ले कर रहे हैं। तो 27,000 की जो पुट है वहाँ पे आपको दिख रहा है करीब 5,21,000 का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है यहाँ पे, और 27,000 की जो कॉल है वहाँ पे देखिए ओपन इंटरेस्ट घटता हुआ दिखाई दे रहा है। करीब टोटल ओपन इंटरेस्ट कितना है, 3,38,000 का। अब कहाँ पे क्या हो सकता है, सिंपल सी चीज़ है, देखिए 27,300, 27,400 ये एक जोन है जहाँ पे आपको एक पुट लेके काम करना है, क्योंकि यहाँ पे कोई पुट राइटर्स नहीं है। आपको क्लियरली दिख रहा है 78,000 27,300 की पुट पे है और 20,000 27,400 की पुट पे, बट कॉल राइटिंग यहाँ पे अच्छी खासी हो रखी है। आपको दिख रहा है 27,300 की जो कॉल है यहाँ पे 5,15,000 का ओपन इंटरेस्ट, और 27,400 की पे 3,71,000 का, और 27,500 पे 10,18,000 का। तो ये चीज़ बता रही है कि बैंक निफ्टी पे फर्दर कोई भी वीकनेस अगर बढ़ती है तो नीचे जाने के चांसेस पूरे पूरे बनेंगे। कहाँ तक जा सकता है, वो जा सकता है करीब 26,700 तक का। तो इस तरीके से आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों ये डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।